भाई साहब, सोशल मीडिया पर एक आग अभी से धधकती हुई बहुत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। मतलब लोग अभी से ही तैयार हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं अपने अपने फेवरेट सुपरस्टार को सपोर्ट करने के लिए। बिगेस्ट क्लैश कहा जा रहा है बॉलीवुड वर्सेस साउथ इंडस्ट्री, ये दोबारा से कहा जा रहा है, क्योंकि सिंघम अगेन वर्सेज पुष्पा 2 द रूल के बीच में भाई साहब क्लैश होने की बात चली जा रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कुछ जगह ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई साहब ये क्लैश नहीं होगा, और कुछ जगह ये बड़े स्ट्रॉन्ग नोट के साथ आ रहा है कि ये क्लैश डेफिनेटली होने वाला है। तो आज बात करेंगे ऑनेस्टली कि भाई अगर क्लैश हो गया तो किसको कितना ज्यादा घाटा होगा, और अगर क्लैश नहीं होगा तो फिर तो फायदा ही फायदा है। क्योंकि मैं तो भाई दोनों मूवी के लिए वेट कर रहा हूं, लेकिन अभी और ओपिनियंस अभी आप वीडियो में देखोगे आगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब, मैं अगर कहूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर क्लैश होने की बात चल रही है तो भाई क्लैश ना हो, क्योंकि यहाँ पर किसको घाटा होने वाला है, सिंघम अगेन को। डेफिनेटली फॉर श्योर 100% ले लो कि यहाँ पर सिंघम अगेन को बुरा घाटा होगा, क्योंकि पुष्पा 2 द रूल के लिए भाई लोग ना दिल से वेट कर रहे हैं। बात तो सही है। दिल जहन से वेट कर रहे हैं, सिर्फ फैंस नहीं, डाई हार्ड फैंस नहीं भाई, न्यूट्रल ऑडियंस भी इसके लिए वेट कर रही है। क्योंकि सिंपल सी बात अगर मैं यहाँ पर देखूं कि इस क्लैश में सिंघम अगेन को ही इतना घाटा क्यों होगा, पुष्पा 2 द रूल को इतना घाटा क्यों नहीं होगा, अभी भाई जो भी ये सारी चीज़ें अभी अभी ताजी ताजी निकल के गई हैं उन्हीं बेस पर बोलेंगे, ऐसा कोई ज़बरदस्ती की हवा हवाई वाली बातें नहीं चलेंगी। सिंघम अगेन के बारे में अगर मैं बताऊं तो अजय देवगन भाई इस टाइम पर अक्षय कुमार जैसे होने वाले हैं, यानी अभी ही इसी साल भाई दो मूवी उनकी पहले ही आ चुकी हैं, तीसरी सिंघम अगेन ये 2-3 महीने बाद फिर लेके आने वाले हैं। तो भाई आप खुद बताओ कि हर दिन बटर चिकन कौन खा सकता है, हर दिन आलू कौन खा सकता है। जिसकी बुरी मार अगर मैं कहूँ इस टाइम पर मैदान मूवी झेल रही है, क्योंकि अभी शैतान मूवी रिलीज, हाँ वो चीज़ अलग है कि अजय देवगन साहब जो भी अपनी मूवी लेके आते हैं उसमें एक स्टोरी होती है, कंटेंट ओरिएंटेड मूवी होती है, कुछ भी ऐसा मसाला डालने की वो कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन इनकी जो भी अभी तक की मूवीज रही हैं, अगर ये मूवीज को गैप गैप में लेके आते, अगर इन मूवीज की ज़बरदस्त हाइप बनाकर लोगों के सामने रिलीज करा जाता तो शैतान मूवी की अच्छी खासी हाइप थी, अच्छा खासा पोटेंशियल था इस मूवी के पास कि ये 800 से 700 करोड़ भी ठोक जाती। लेकिन वही चीज़ की बहुत अच्छा प्रमोशन नहीं, और बार बार वही चीज़ें अजय देवगन, तो लोग ना उतना हिट नहीं कर पाते हैं। यही चीज़ मैदान के साथ भी हुई है, मैदान के पास भी बहुत पोटेंशियल है कि ये मूवी ईजिली 400 से 500 करोड़ ईजिली ठोक सकती है, लेकिन नहीं आ पाएगा वो नंबर जो हम देखने को चाह रहे हैं। दूसरा भाई सिंघम अगेन की ही बात करें तो भाई रोहित शेट्टी की इस बार बिल्कुल भी फॉर्म नहीं चल रही है, इस टाइम पर बिल्कुल फॉर्म नहीं चल रही है। रिसेंटली दो मूवी की बात करें, पिछले साल जो आई थी सर्कस, देन उसके बाद अभी एक वेब सीरीज आई थी द इंडियन पुलिस फोर्स, और उन दोनों को कितना हाइप मिला है, उन दोनों को कितना रेस्पॉन्स मिला है हम सब जानते हैं, भाई मेरे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक दौर था रोहित शेट्टी का कि लोगों को पसंद आया करती थी वो कार छोड़ाना, वो मसाला, फिक्शन, स्लोमो, एक्शन, जहां पर एक्शन के मामले में रोहित शेट्टी की मूवीज में लॉजिक को साइड रखना पड़ता था, बिना लॉजिक को आपको देखना पड़ता था तब आपको वो मजा आता था। बात तो सही है। लेकिन अभी बाबा अगर इंडियन सिनेमा की बात करें और ऑडियंस के इंटरेस्ट बेस पर बात करें तो दौर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि आदत खराब कर दी है एनिमल जैसी मूवी ने, आदत खराब कर दी है जवान जैसी मूवी ने, आदत खराब कर दी है पुष्पा जैसी मूवी ने। क्योंकि पुष्पा में भी वही हुआ था, कोई भी जबरदस्ती का मसाला फिक्शन नहीं था, जो था स्टोरी प्लॉट बाय प्लॉट जो बिल्डअप करी जाती है उसके हिसाब से, एज नेचुरल कंटेंट के बेस पे बोलूं तो वहाँ पर कि एक के बाद एक अपने ब्रेन्स को, अपनी सत्ता को कैसे भाई जमाना है। नेगेटिव कैरेक्टर ही तो था पुष्पा का, भाई चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, वो सारे गलत काम, दो नंबर के काम कर रहा है, लेकिन बाद में भी उसे पॉजिटिव फेस में काउंट करा जा रहा है। तो यही चीज़ भाई, इसी चीज़ का तड़का अभी देखने को मिला। तो भाई ये सारी चीज़ें लोगों को हिट करती है, दैट्स वाई कि न्यूट्रल ऑडियंस का इस समय टेस्ट हो चुका है चेंज, जो ज़्यादा मसाला फिक्शन उन्हें नहीं चाहिए, देखो कमाई करके जाएगी। लेकिन सिंघम अगेन से पोटेंशियल ये है क्योंकि इस पे भाई कास्ट बहुत भारी भरकम इस्तेमाल करी जाएगी, तो इससे उम्मीद ये है कि भाई साहब 800 700 करोड़ या 600 करोड़ तो ये मूवी ठोक कर ही ठोक के जाए। लेकिन पुष्पा 2 द रूल के सामने अगर ये आ गई तो हो सकता है 200 करोड़ भी कंप्लीट ना कर पाए या 300 करोड़ भी कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि पूरी हाई पुष्पा 2 द रूल ले जा चुकी है। अगर रिसेंटली अगर आप देखें तो भाई जब टीजर आया था पुष्पा 2 का तो उसमें ऐसा क्या ही है कि जिससे लोग बहुत ज़्यादा वेट करें कि भाई मूवी में ये मिलने वाला है वो मिल, भाई कुछ आइडिया नहीं है कि मूवी में क्या मिलने वाला है। स्टोरी का जरा सा पार्ट भी उन्होंने रिवील आउट नहीं किया है, बस एक थ्योरी एंड अजम्पशन चल रहा है
है कि हाँ लास्ट में वो शेखावत के साथ पंगा किया था, तो डेफिनेटली उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में बंद होगा, देन वो वहाँ जंगल में चला जाएगा, जंगल में वो जो मंदिर वाला एक एंगल होगा वहाँ छुप के रह रहा होगा, दैट्स वाई कि वहाँ लोग उसे मतलब पकड़ने भी आएंगे सिंडिकेट के मेंबर एंड पुलिस अलग ढूंढेगी। देन उसके बाद जो उसने जो सत्ता खड़ा करा है, अपना अंपायर सेट किया है भाई, वो कैसे मेंटेन करेगा? तो ये जब एक थ्योरी अजम्पशन है, बट ऐसा कुछ भी फॉर श्योर नहीं दिखाया गया है मूवी में कि यही सब मिलने वाला है, लेकिन बावजूद इसके इस मूवी की बहुत अच्छी हाइप है। दूसरा ये कि भाई लोग इसे देखना भी क्यों चाहेंगे, अल्लू अर्जुन ऐसे नहीं है कि साल में 2 से 3 मूवी लेके आ रहे हैं भाई, कोई भी मूवी लेके आते हैं बहुत बारीकी से ध्यान दे के पेशेंस के साथ लेकर आते हैं। पुष्पा के बाद मुझे नहीं लग रहा कि कोई और भी प्रोजेक्ट पर इन्होंने काम किया है, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है, आपकी नज़र में है तो ज़रूर बता के जाना अगर मुझसे बाई मिस्टेक छूट रहा होगा तो। इसके बाद यही देखने को मिल रही है ये वाली मूवी पुष्पा 2 द रूल, जिसमें भाई लोग देखना चाहेंगे भाई, साल में छोड़ो भाई, महीने में एक बार मटन खाने को मिल जाए और हर महीने में आपको 4 से 5 बार चिकन खाने को मिले और सेम डे पर मटन एंड चिकन दोनों सामने आएंगे तो आप किसको पकड़ोगे? डेफिनेटली भाई मैं मटन को चूज करूंगा क्योंकि महीने में एक ही बार मिल रहा है वो चीज़, बस ये है कारण। ऐसा नहीं है कि भाई सिंघम अगेन बेकार होने वाली है या कुछ नहीं, वो अपनी जगह दमदार होगी, वो सब कुछ दमदार होगा, उसकी स्टोरी भी फाड़ होगी, उसका एक्शन भी फाड़ होगा, सब कुछ अपनी जगह पे दमदार होगा, लेकिन पुष्पा 2 द रूल जो हाइप लेकर बैठी पड़ी है, जिस लेवल पर वो सेट हो चुकी है, क्योंकि अभी इसके टीजर में मैं व्यूज़ देख रहा था तो 109 मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और 1.5 मिलियन प्लस लाइक्स आ चुके हैं। तो आपका क्या कहना है कि ये क्लैश होगा या नहीं होगा? अगर होगा भी तो भाई कौन सी विनर रहने वाली है, कौन विनर नहीं रहने वाला है, कौन ज़्यादा कमाई करने वाला है, कौन ज़्यादा कमाई नहीं करने वाला है? पुष्पा 2 द रूल अगर क्लैश हो भी जाता है तो क्या 1000 करोड़ ठोक जाएगा? दूसरा भाई सिंघम अगेन को इसके साथ क्लैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या सिंगल रिलीज होना चाहिए? जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना और कौन सी मूवी के लिए आप कितना वेट कर रहे हैं वो भी जरूर बता के जाना। बाकी मैं यहाँ पर किसी का हेटर नहीं हूँ तो मेरे लिए दोनों ही मूवी बराबर हैं, दोनों अगर एक दिन भी लग भी जाती हैं तो भाई साहब मैं अपना ओपिनियन बताऊँ, पहले मैं पुष्पा ही देखूंगा, पुष्पा 2 द रूल ही देखूंगा, देन उसके बाद सिंघम अगेन देखूंगा। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद।